सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। Hi guys, welcome and welcome back to my channel, it's Seetal. So, आज हम करने वाले हैं full face makeup festival season के लिए, even दिवाली पे आपको ये wear करना है, या फिर आप अगर किसी wedding में जा रहे हैं, like किसी शादी में जा रहे हैं, as a guest, तो आप लोग ये वाला makeup wear कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा simple, subtle and क्लासी लुक है मेरे को लग रहा है। आप लोग लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, लेकिन आप लोग पहले ना ये बिफोर देख लीजिए, ये है बिफोर। इफ यू आर बिलोंग टू अ ब्राउन एंड मीडियम टू डस्की टोन तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही है ये वाला मेकअप, क्योंकि इसमें मैंने ना कुछ ऐसे हैक्स यूज़ करे हैं जिससे आपका पूरा मेकअप का एनहांस हो जाएगा एंड आई प्रोमिट लुक वंडरफुल, बिकॉज कि मैंने जो ये मेकअप करा है बहुत इजी वे से करा है, जस्ट 5 to 10 मिनट या 15 मिनट में आपका ये पूरा मेकअप कंप्लीट है एंड यू लुक गॉर्जियस फॉर योर वेडिंग एंड जो भी जहाँ भी आप लोगों को जाना है फेस्टिवल में या कोई भी, आप लोग ये वाला मेकअप वियर कर सकते हैं जस्ट इन 5 to 10 मिनट। यस, तो पूरा मेकअप मैंने मतलब वीडियो बनाई है इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया होगा, आई डोंट नो कितने मिनट की ये वीडियो होने वाली है, सो पूरी वीडियो जरूर देखना है। सो स्किन केयर ऑलरेडी मैंने कर लिया है, लाइक टोनर एंड सनस्क्रीन वगैरह जितना भी स्किन केयर होता है वो कर लिया है, क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा के आई थी एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस वीडियो, बिकॉज पता है क्या होता है कि मैं डेली डिले करती जा रही थी कि आज नहीं करूँगी एंड आई एम अप्लाइंग अ प्राइमर राइट नाउ, और ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ जाएगा एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, तो सब लोग मेकअप कर रहे हैं लाइक फेस्टिवल सीजन का, मैंने भी सोचा लेट्स डू मेक दिस वीडियो एंड अगर आप मेरी स्किन टोन को लाइक मीडियम टू डस्की में फॉलो कर दो आपके लिए बहुत मस्त वीडियो होगी, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, प्राइमर हो गया है, नाउ आई एम डूइंग अ बेस मेकअप। कल करूँगी लाइक मेरे माउथ के यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कितने डार्क एरिया है, यहाँ पे अंडर आई पे थोड़ा थोड़ा कलर करेक्टर करके देन हम लोग कंसीलर लगाएंगे। मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ, बहुत कम लगाऊंगी क्योंकि मेरा ना इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अजीब से पैचेस है, ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो बेस मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ फिट मेकअप फाउंडेशन एंड ये इसका जो शेड है वो 310 है, 310, और ये ना मेरी स्किन का बिल्कुल मैच है। लुक एट दिस, एकदम अच्छे से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो एकदम करेक्ट शेड है मेरी स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन लाइक डस्क मीडियम टू डस्की है ना तो आप लोग ये वाला ले सकते हो, बाकी अगर आप स्टोर से ले रहे हो, क्योंकि ये ना मैंने पर्पल के स्टोर से लिया था हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में गौ सिटी मॉल में ना एक स्टोर है पर्पल का, वहाँ से मैंने ये खरीदा था और काफ़ी वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे ना वो काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने ना मेरी स्किन पे एकदम लगा के पूरा टेस्ट करके पूरा ओवरऑल पूरा मेकअप करके देन मुझे कराया था, तो मैंने ये तब खरीदा था, वो काफ़ी सही लगा मुझे। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी मैंने थोड़ा पहले गीला कर लिया था एंड इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बट इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज है ये, तो अब उससे हम ऐसे करके ब्लेंड करेंगे, ओनली ब्लेंड। तो मुझे पहले से जानते हो लाइक मेरा ना इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल था जिसमें 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे एंड मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, देन वो बंद हो गया किसी रीज़न की वजह से। तो मैंने अभी दोबारा इसे इस महीने ही, आप लोगों ने देखा होगा अगर अबाउट में जाके देखोगे तो मैंने इसे अभी ही इसे दोबारा से कराए, मतलब ओपन कराए एंड अभी ना कुछ दिनों से ना काफ़ी डिमोटिवेशन, क्योंकि है ना बहुत मुश्किल से स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर करना लाइक सबसे टफ काम होता है, उसके बाद इजीली बढ़ते जाते हैं,
बहुत यही है, स्टार्टिंग का जो 1,000 सब्सक्राइबर वाला फेज होता है 1,000, लेकिन अब तो यूट्यूब का क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। अगर आप लोग चाह रहे हो यूट्यूब चैनल ओपन करना, तो आपका चैनल ना पहले ही मोनेटाइज हो जाएगा। लाइक 500 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे जस्ट, एंड 3,000 का वॉच टाइम, जिसमें तीन कैटेगरी फॉल होंगी। लाइक आपको सुपर थैंक्स मिल जाएगा, शॉपिंग वाला, जो आप लोगों ने रील अगर शॉर्ट्स वो स्क्रॉल करे होंगे, जहाँ पे देखा होगा बहुत सारी जो गर्ल्स होती है या कोई भी होती है, वो लोग ना शॉपिंग का टैग रखती है, तो वहाँ पे आपको ना एज अ एफिलिएट मार्केटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके पैसे अलग से आएंगे। काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग ना रिकमेंडेशन वाले प्रोडक्ट ही लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना जेन्युइन रिकमेंड, क्योंकि एज अ पर्सन जो मेरे को सूट कर रहा है, मैं करके दिखा रही हूँ मुझे सूट कर रहा है वही। अब मैं ना अपने आईब्रोज को सेव कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये यूज कर रही हूँ मस्कारा है, सॉरी ये जो है आईलाइनर है, ठीक है, और ये पेन आईलाइनर है, जिससे मैं थोड़ा सा शेप करूंगी। एंड ये हैक है, मतलब आपको लोग सोच रहे होंगे कि लाइनर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये है ना काफी सही है। तो अब मैंने जैसे ये पूरा कर लिया है शेप, अब इस स्पूली की हेल्प से मैं इसे पूरा ब्लेंड कर दूंगी। देखो ये वाली आईब्रोज देखो, वो ज्यादा नेचुरल लग रही है, ऐसा बिल्कुल बेकार नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाली इसमें बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो सेम ट्रिक से मैं इसे भी कर लेती हूँ। सो दोनों आईब्रोज हो गई हैं, नाउ आई एम अप्लाइंग अ कंसीलर, और ये पर्पल का कंसीलर है, ये ना ऐसा स्टिक वाला है, तो इसलिए मेरे को ना जैसे कि आई शेडो वगैरह लगानी है, सो पहले ये मतलब इजीली अप्लाई हो जाता है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट है, तो कंसीलर ना मैं हमेशा लाइट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अंडर आई पे जब आप लगाते हो तो थोड़ा सा वो लाइट रहती है ना, काफी अच्छी लगती है। एंड रिजल्ट जरूर देखना, एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा मस्त आएगा, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने ना ये मेकअप पहले भी करा है, जो मेरे पे बहुत सही लगता है। सॉरी गाइस, थोड़ा ना वॉइस चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब मैं जो कर रही हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे को मैं जस्ट बोली जा रही थी, बाद में मेरे को पता चला मेरी माइक की ना बैटरी खत्म हो गई है, मैंने चार्ज नहीं करा था, एंड जिसकी वजह से वो बीच में बंद हो गया, एंड ये प्रॉब्लम हो गई। सो अब मैं करने वाली हूँ आई शेडो लगाने वाली हूँ, तो उससे पहले मैंने कंसीलर लगा के अच्छे से अपना ब्लेंड कर लिया था। एंड ये जो आई शेडो है ना, ये पैलेट जो है जस्ट इन 400 समथिंग आई है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, एंड बहुत अमेजिंग पैलेट है। इसका ना पिगमेंटेशन आप लोग आगे देखना कितना अमेजिंग पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने ये ब्राउन कलर लिया है, एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, पहले स्वैप में ही इतना अच्छा कलर आ गया है। तो इसे है ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एकदम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि आई शैडो जब भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना होता है, तो वो करेंगे। देन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं ना इनर कॉर्नर साइड से एक पिंक कलर लूंगी, ये वाला जो पिंक कलर आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर लेके इनर से आउटर साइड में जाके इसे ब्लेंड करती जाऊंगी, ब्लेंड करती जाऊंगी, जितनी भी हार्श लाइन होंगी ना वो दिखनी नहीं चाहिए, इतना अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन इसके बाद ये आप मेटेलिक कलर है गोल्डन कलर का, वो मैंने लगाया, एंड वो भी इसी पैलेट का था गाइज, इतना अमेजिंग लग रहा है ना ये। एंड ये आप देख रहे हो ना ब्राउन डस्की टाइप का मेटेलिक, थोड़ा ये भी इसके अंदर भी थोड़ा सिल्वर सिल्वर टाइप का जो होता है ना मेटेलिक कलर है ये भी, एंड ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो ये ना एक आई तो मेरी हो गई है लुक एट दिस, सेम मैंने दूसरी भी कर लेती हूँ। एंड इसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया, एंड फॉल्सीज लगाई, एंड मस्कारा एंड में अप्लाई करा, मस्कारा अप्लाई करा, तो ये मस्कारा जो है पर्पल का मस्कारा है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं, तो उसमें ना आपको कोई इश्यू नहीं होगा। देन ये मैंने जो लगा रही हूँ, जो सेम कलर फर्स्ट कलर आप लोगों ने देखा था ना, जो मैंने लगाया था ब्राउन वाला, बहुत हल्का हल्का लगा रही हूँ उसको, स्टार्टिंग वाले कलर को, जिससे वो बेकार भी ना लगे। एंड ये इसके बाद मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, ये वाली जो ट्रिक है ना मैंने ऐसे शॉर्ट्स से ही देखी थी, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी टर्न आउट हुई है। लाइक इस तरह से कंसीलर को अप्लाई करना, और ये वाली ट्रिक शायद कैटरीना कैफ ने ऐसे अप्लाई करते उन्होंने ही लगाया था, तो उनका देख के मैंने ये सीखा था, एंड ये बहुत लिटरली मेरे पे तो बहुत ज़्यादा सही टर्न आउट हुई है। एंड ऐसे करके मैंने, क्योंकि इससे क्या होता है एकदम फेस एकदम लिफ्ट हो जाता है, आपका फेस थोड़ा लिफ्टेड लगता है,
तो एंड इस तरह से मैंने ये लगा लिया। देन ये मेरी मेबलिन की लिपस्टिक है, काफी अच्छा कलर है इसका, लुक एट दिस। इसे मैं एज अ ब्लश बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि काफी प्यारा कलर है यार, एंड इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सारे कलर को। एंड गाइस पता है मेरे को लग रहा था कि है ना ये एज अ रिजल्ट कैसा आएगा। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई मेकअप पहले भी करा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बाद में शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे को ना ये सेटिस्फाइड लगा बिकॉज काफ़ी ठीक लगा। एंड ये आप, मैं एक बात बताऊँ, आप लोग ना जैसे कि टिंट हो गया, फेस टिंट हो गया, ब्लशेज हो गए, तो मेरे को लगता है कि एक आपको नॉर्मल वाला ब्लश लेना चाहिए, जो पाउडर ब्लश होता है वो ले लो। बाकी ना ज़्यादातर इन्वेस्ट जो करना है ना आपको, वो टिंट में कर लो, या टिंट में भी नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला कर सकते हो, लाइक जो लिपस्टिक वगैरह का हैक यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक ना काफ़ी अच्छा टर्न आउट होती है, इस तरह की जो पिंक एंड थोड़ी मजेंटा टाइप कलर की जो लिपस्टिक होती है ना वो सही लगती है अगर एज अ मतलब ब्लश यूज करते हो। तो ये जितना भी कंसीलर था ना मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करा है। जितने भी हार्श लाइन होंगे उसे बाद में मैं सेट कर दूंगी। एंड ये मेरा है ना ये कॉन्टोर है और जो ब्रॉन्जर है ये एन बाई वे का है। ये भी ट्रिक मैंने देखी थी, एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है अपने जितने भी आउटर साइड है जिनको आप थोड़ा दिखाना चाहते हो, लाइक फेस कटिंग करना चाहते हो, तो ये इससे हो जाएगी। एंड काफ़ी सही ट्रिक है ये भी, मेरे को बहुत मस्त लगी है। तो इस तरह से मैंने पूरे अपने फेस को शेप कर दिया है, देन अच्छे से उसे ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड आप ना एंड रिजल्ट देखना, बहुत सही आएगा इसके बाद। इसके बाद ना जैसे ये ब्लेंड हो जाता है तो मैं ना सिर्फ यही वाला ब्रॉन्जर यूज़ नहीं कर रही, मैंने ब्लश भी पाउडर वाला भी यूज़ करा है एंड ये लिक्विड वाला भी करा है। तो अब मैंने अपने बेकिंग करूँगी, जो अंडर आई पर हमने कंसीलर वगैरह अप्लाई करा था उसके लिए थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे बेकिंग के लिए, एंड पाउडर दोनों साइड लगाएंगे, नीचे लगा लेंगे चिक बोन के नीचे जो पाउडर होता है, जहाँ हमने ब्रॉन्जर करा उसके नीचे भी पाउडर लगा लेंगे, अच्छे से बेकिंग करेंगे। जब तक बेकिंग होगा देन हम क्या कर लेंगे, नोज़ कॉन्टोर कर लेंगे। वैसे मेरी नोज़ ना एकदम ठीक है, फिर भी मैं कॉन्टोर कर लेती हूँ क्योंकि उससे अच्छा सा शेप आ जाता है। इस वजह से गाइस मेरे को ना आप लोगों से कुछ डिस्कस भी करना है, डिस्कस एज इन पूछना है कि मैं सोच रही हूँ जैसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लाइक सारा सरोस हो गए, शालिनी मंडल, तिवारी सिस्टर, ये मेरे कुछ फेवरेट यूट्यूबर हैं। मैं सोच रही हूँ एक यूट्यूबर की सीरीज करते हैं, उनका मेकअप रिक्रिएट करते हैं मेरे ऊपर अपने ऊपर, तो देखते हैं कैसा टर्न आउट होगा। आप लोगों को क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ करना चाहिए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो अपने फेवरेट यूट्यूबर भी, लाइक मैं ना अपने ही यूट्यूबर का नहीं, जो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर होगा, कोई भी फीमेल यूट्यूबर आपकी फेवरेट होगी, देन उसका हम मेकअप ट्राई करेंगे एंड टर्न आउट करेंगे। लेट्स सी कि वो किस टाइप से अपना मेकअप करती हैं, तो उसी टाइप से हम लोग भी ट्राई करेंगे उनके हैक्स और जो भी उनकी ट्रिक्स वगैरह हैं। तो यही मेरा मतलब मेरी थिंकिंग यही है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद अच्छा रिजल्ट आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके बाद मैंने ये, आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये ना, अब मैं जो अप्लाई कर रही हूँ ना ये पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये जो पैलेट है ना लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग पैलेट है, ये ना स्विस ब्यूटी की ब्लश एंड कॉन्टोर वाली पैलेट है। इसमें ब्लश भी है, कॉन्टोर भी है एंड हाइलाइटर भी है, तीनों चीज़ इस पैलेट में अवेलेबल है। आपको ना अलग अलग पैलेट खरीदने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड इतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप लोग खरीद नहीं पाएंगे, या मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग नहीं खरीद पाएंगे, मेरा मतलब है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती इतने हाई एंडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं मैं उनमें ही लगा सकती हूँ। तो इस पैलेट का यही फ़ायदा है कि इसमें ना कॉन्टोर है, ठीक है, आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इवन ब्लश भी अवेलेबल है एंड हाईलाइटर भी, तीनों चीज़ अवेलेबल है। तो ये इसको मैंने लगा लिया एकदम, कॉन्टोर वगैरह ब्लश वगैरह कर लिया, एट द एंड मैं ये जो कर रही हूँ अपने जितना भी मेकअप करा है उसको
इसको सेट कर रही हूँ पाउडर की हेल्प से। एंड देन ये स्विस ब्यूटी की ही लिपस्टिक है, मैट मी वाली जो लिपस्टिक आती है ना इसकी, वो लिपस्टिक है। एंड लिटरली बहुत अमेजिंग कलर है गाइस इसका, लाइक ये न्यूड लिपस्टिक है ना, काफ़ी अमेजिंग कलर है। मेरे को ना मेरी फेवरेट लिपस्टिक में से है ये, मैंने अमेजोन से मंगवाई थी एंड ये कुछ 159 या 160 कुछ की मेरे को उस टाइम पड़ी थी। एंड काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग मेरी स्किन टोन से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ना एक बार ट्राई करना, लिटरली बता रही हूँ काफ़ी प्यारी लगती है। एंड इसके ऊपर जो मैं कॉम्बो लगाती हूँ ये वाली न्यूड लिपस्टिक, एंड ये भी है मैट मी की बेरी ब्लास्ट वाली लिपस्टिक है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा सही है, मेरे को ना बहुत सही लगती है मेरे लिप्स पे। अब ना थोड़ी देर मेरी मम्मी ने बुला लिया था, लिपस्टिक लगाने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि ले चाय पी ले, देन मैं चाय पीने चली गई। उतने में मेरा जो फेस है वो जो मेकअप मैंने करा है वो ऑक्सीडाइज हो गया एंड काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, लुक एट द मेकअप। इसके बाद मैंने ये वाली इयर रिंग पहनी जो कि काफ़ी सही इयर रिंग है, राइन स्टोन वाले इयर रिंग है एंड काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को सही लगते हैं ये वाले एंड मेरे फेस पर सूट करते हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है। एंड इसके बाद छोटी सी बिंदी लगा ली है हमने, और यही था पूरी वीडियो। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेकअप। अभी ना जो मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी ना स्विस ब्यूटी का, वो पैलेट वाला नहीं है, वो दूसरा हाईलाइटर है एंड बहुत सही है यार इसका ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगता है। लुक एट द डिफरेंस, अभी ना आई कॉर्नर पर डिफरेंस देखना, कितना अमेजिंग डिफरेंस आता है आई कॉर्नर पर, तो बहुत ज़्यादा विजुअल भी होता है। अभी देखो नॉर्मल आई लिट लग रही है, अब मैंने जैसे ही हाईलाइटर अप्लाई करा है एंड अब देखो कितनी मस्त लग रही है ना, एकदम डिफाइंड हो गई आई पे, एकदम ऐसे इफेक्ट आ जाता है, एकदम मस्त लगने लग जाती है। एंड आईब्रोज के एंड में थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देंगे, जितने भी हाइलाइटेड जो आपको अपने चेहरे में लगता है कि इस पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना चाहिए, मेरी साइड में इस तरफ बहुत अच्छा लगता है, तो उन वाली जगह हाइलाइटर हल्का हल्का लगा लेना एंड काफ़ी प्यारा लगेगा। तो मैंने हल्का सा नोज के टिप पे लगाया, अपने आई कॉर्नर्स पे लगाया, लिप्स पे लगाया एंड चिक बोन पे लगाया, बस इतना हाईलाइट करा एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई लव द एंड रिजल्ट, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, एंड मेरे को तो सही सही लगा। एंड कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा आपका फेवरेट यूट्यूबर है, मेरे को ना वो सीरीज़ करनी है, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ बट कर नहीं पा रही, लेकिन अगर आप लोग कमेंट आ जाएंगे ना मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा। दिस इज माई फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मेरी आईडी है sheetalsingh_16, सेम आईडी आप मुझे जाके फॉलो भी कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैक्स एंड मेकअप ट्रिक्स वगैरह डालती रहती हूँ, आप लोगों को पक्का पसंद आएगी आई प्रॉमिस। एंड आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हैं किसी का मेकअप इंस्पायर्ड मेकअप लुक करना है या कुछ भी करना है, जो आप हॉल वगैरह देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अगर ये वेडिंग फंक्शन इन सब में जाना चाह रहे हैं आप, किसी फेस्टिवल सीजन के लिए करना चाह रहे हैं, लाइक अब कितने फेस्टिवल्स आएंगे, दिवाली आएगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बिल्कुल ही सटल मेकअप है, ऐसा चटक मेकअप नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगे, मतलब एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कितना सारा मेकअप पोत लिया इस लड़की ने, ऐसे कोई बोले ना बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, कोई देख के बोलेगा वाह अच्छी लग रही है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक दिस प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ये जो आउटफिट आप लोग देख रहे हैं ये मैंने मीशो से लिया था, अगर आप लोगों को मीशो से रिकमेंडेशन चाहिए लाइक कुर्ती वगैरह की तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड तब तक टाटा बाय, टेक केयर।